खाने से पहले अपने हाथ को अच्छे से साफ करना चाहिए, उंगलियों के बीच में दो कलाई तक। प्रणाम साईं। हमारे गणपत हवलदार ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है, ये अब अपना जीवन संगीत को समर्पित करेंगे। बया भाई, बड़े दिनों बाद, आओ अंदर आओ। कैसे आना हुआ? इस साल चैत्र नवरात्रों में मुंबा देवी मंदिर में उन्हें भजन का जिम्मा सौंपा गया है। अरे वाह, ये तो गणपत के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जी, आयोजकों ने ढेर सारी मिठाइयां भेजी थी। अब आप तो भेंट लेते नहीं हैं, तो मैंने सोचा यहाँ आने जाने वालों को और बच्चों को बांट देती हूँ। काकी, गणपत काका का तो हर रोज भजन में बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती होंगी ना? हाँ मार्तन, तब तो बड़ा होकर मैं भी कीर्तन ही करूंगा और मुझे भी बहुत सारी मिठाइयाँ मिला करेंगी। मार्तन, गणपत ने मिठाइयों के लिए संगीत नहीं चुना था, ना ही किसी और लाभ के लिए। उसकी तो ये इच्छा थी कि अपने दिल से निकले स्वरों को दूसरों के दिलों तक पहुंचाए, ताकि लोगों को भी ईश्वर के कीर्तन में, उनका नाम भजने में वही सुख, वही खुशी मिले जो गणपत को मिलती थी। वो अपने संगीत से लोगों को ईश्वर के करीब लाना चाहता था। उसने ये कभी नहीं सोचा कि इसके बदले उसे क्या मिलेगा। यहां तक कि उसने कभी भी लोगों की प्रशंसा पाने के लिए भजन कीर्तन नहीं किया, क्योंकि प्रशंसा पाना भी तो स्वार्थ है। वो तो सिर्फ अपना धर्म निभा रहा था और वो संगीत को ही अपना धर्म मानता था। वो आज भी नहीं बदला है और इसीलिए ईश्वर की कृपा है उस पर। बच्चों, तुम जो भी काम करो उसका कारण सही होना चाहिए। जिस काम में तुम्हारा दिल नहीं, उसे करने में तुम सफल भले ही हो जाओ, लेकिन संतोष, मन की शांति कभी नहीं मिलेगी। अब इसी में गणपत का उदाहरण फिर देख लो। गणपत पुलिस की नौकरी करता था, लेकिन बेमन से, इसीलिए वहां वो कभी संतुष्ट नहीं था। भजन करो, जरूर करो, पूरे दिल से करो, ईश्वर में डूब कर सब कुछ पाओगे। मगर जब पाओगे तो समझोगे कि बाकी सब बेकार है, ईश्वर नाम से बड़ा सुख कोई नहीं। हाँ,
मैं समझ गया साईं। लक्ष्मी जल्दी चलो, साईं बाबा को राम स्तुति सुनाने जाना है। लंबी यात्रा करके अमनी थक गई है, कमजोर हो गई है, आज इधर ही रुकना चाहिए। साईं बाबा से तो कल भी मिल सकते हैं। गल, तुम जानती हो ना मैं शिरडी क्यों आए? हाँ, गुरुजी ने साईं बाबा के पास जाने के लिए बोला, लेकिन बच्ची बीमार, उसको छोड़ के गाएंगे तो स्तुति में मन कैसे लगेगा, भक्ति भाव कैसे आएगा? भक्ति भाव ना आए तो क्या, हमें राम स्तुति गाने से मतलब, साईं बाबा को प्रभावित करके उनसे कुछ पाना, उसी के लिए तो आए, इतना खर्चा किया, एक भी दिन बेकार नहीं जाना चाहिए। मैं अब साईं बाबा की कृपा से अमीर बनना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ तो बात बच्ची की है, वो बीमार है, एक दिन में उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होगी। मीनाक्षी है ना, ये ख्याल रखेगी अमनी का? और ऐसे भी ये सो रही है, इसको हमारी जरूरत नहीं, तो फिर रुकने का क्यों? चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। हम आते थोड़ी देर, इसको देखना। प्रणाम छोटे सरकार। कितनी सुंदर है मेरी शिरडी, कितने अच्छे लोग हैं यहाँ। बड़े शहरों जैसी सुविधाएं नहीं है, लेकिन किसी भी चीज की कमी नहीं है। काश तेजस्वी भी शिरडी को मेरी नजर से देख पाती, मेरा परिवार अधूरा सा नहीं लगता। सुनिए, साईं बाबा से मिलना है। आप कौन? मैं गोपाल, ये मेरी पत्नी आदि लक्ष्मी, हम कलाकार हैं, साईं बाबा के लिए भजन गाने की इच्छा लेकर आए हैं। पर साईं तो अभी ध्यान में है, मैं उनसे पूछकर बताता हूं, थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। रुकेंगे। उनसे कहो कल सुबह आए, उनका भजन सुनकर मुझे प्रसन्नता होगी। कल सुबह बुलाया है, असाई ने कहा है कि आपका भजन सुनकर उन्हें खुशी होगी। कल? बहुत दूर से आए। मैं समझ सकता हूं, लेकिन साई ने अगर आपको कल बुलाया है तो जरूर इसका कोई कारण होगा। आप कल आइए, साई तभी आपसे मिलेंगे।
यही साईं बाबा है क्या? और कोई नहीं, साईं बाबा यही लगते। इतने दूर से आना बेकार तो नहीं? देखो ये साईं तो खंडर में रहते, इनसे हमें क्या मिलेगा? आप भूलते कि हम यहाँ क्यों आए। हमारे गुरु नरसिंह जी महाराज ने बोला हमको यहाँ आना करके, बोला ना कि हमारा उद्धार यहीं होगा। उद्धार के लिए खूब धन चाहिए आदि, सादा जीवन जीते जीते थक गया मैं। कब तक ऐसे गांव गांव घूमकर कीर्तन करेंगे? अभी और भी बच्चे होंगे हमारे, बड़ा घर नहीं चाहिए उनके लिए, खेत नहीं चाहिए कमाने को खाने को, पैसा लगेगा ना इसके लिए। चिंता क्यों करते, नरसिंह जी महाराज ने बोला तो कुछ सोच कर ही बोला होगा, एक राहत ही तो है। रोज 100 जतन कर लिए देवी लक्ष्मी को अपने घर लाने के लिए, और कितना इंतजार। शायद इसीलिए लक्ष्मी माता तुमसे दूर रहती है। किसने कही? क्या कहा किसने? मैंने सुना, किसी ने तो कुछ बोला। हमारे सिवा यहाँ दूसरा कोई नहीं है, और साईं बाबा ध्यान में बैठे। चलिए वापस चलते हैं। मन में साईं के क्या है, कौन जान पाए। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, ओम। ताई ये लीजिए हींग का पानी, और खाना भी तैयार है। ठीक है, हमारा खाना लगा देना और अपने लिए भी निकाल लेना। पहले आप लोग खा लीजिए, बाद में मैं खा लूंगी। ऐसा करो सबका साथ में ही लगा दो। तुम हमारे लिए इतना काम कर रही हो, हमारी देखभाल कर रही हो, तो तुम अलग क्यों खाओगी?
स्वादिष्ट है। जाओ अपनी थाली भी ले आओ। जल्दी चलो। और हाँ, आज साईं बाबा के सामने ऐसा प्रदर्शन करना जैसे पहले कभी किया नहीं। क्या हुआ, कल तो साईं बाबा को देखकर आपको उन पे संदेह हो रहा था और आज इतना उत्साह। कल यहाँ से लौटकर गांव वालों से पूछताछ की, बाबा कोई साधारण पुरुष नहीं, गांव वाले कहते बाबा भगवान का अवतार। हाँ, उन्होंने ऐसा सा चमत्कार किया है कि सोचना भी संभव नहीं। नरसिंह जी महाराज ने हमको यहाँ पर इसलिए भेजा, साईं बाबा अंधे को आंखों की रोशनी दे सकते तो हमको धन देना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। कोई सोने की मुद्राओं से भरा मटका या कोई अनमोल रत्न मिल जाए तो जीवन आराम से कट जाए। हे साईं बाबा, निराश मत कीजिएगा, चले। साई, अब कोई तो सूत्र दीजिए, हम सबको एक साथ यहां बुलाने के पीछे क्या रहस्य है। प्रणाम बाबा। क्या हम अंदर आ सकते हैं? यही है वो गोपाल जो कल आए थे। राम जी भला करें, मुझसे कुछ चाहते हो? जी हम भजन करते हैं, बड़ी दूर से आए हैं। आपके सामने राम स्तुति सुनाने की हमारी इच्छा है। ईश्वर की वंदना सुनने के लिए कौन मना कर सकता है। ये सारे यहां राम स्तुति सुनने के लिए ही एकत्रित हुए हैं। सुना, मुझे उम्मीद है तुम्हारी राम स्तुति सुनकर इन सबको सुख का अनुभव होगा। आज राम स्तुति सुनकर बाबा मुझे बड़ा इनाम देंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज उसके मौसी ने उसे लोरी गाकर सुला दिया। दान में क्या देना है पता होना चाहिए, और दान हमेशा सतपात्री को ही दिया जाना चाहिए, यानी कि सही हाथों में जाना चाहिए। ख्याल रखना कहीं अनजाने में किसी गलत हाथ में कोई चीज ना चली जाए।